हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं CPL यानी कैबिन प्रीमियर लीग 2019 के मुकाबले की, जो ये खेला जाएगा सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट वर्सेस त्रिनबागो नाइट राइडर्स के बीच में सेंट किट्स के वॉर्नर पार्क क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 18 सितंबर को सुबह के 3:30 बजे से। और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार के ऊपर। सबसे पहले अगर आपकी पिच रिपोर्ट के बारे में बात हो तो काफी अच्छा बैटिंग ट्रैक है यहाँ पे। बैटिंग का जनरली काफी ज्यादा आसान रहता है, टारगेट चेस करना भी काफी आसान रहता है, स्क्वायर बाउंड्रीज भी काफी छोटी है, स्ट्रेट बाउंड्रीज भी काफी ज्यादा छोटी है। आप टॉस जीते पहले बॉलिंग करने का फैसला करना चाहोगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे टारगेट पता हो क्या चेस करना, तो काफी आसान होता है आपके लिए आगे जाकर। अगर मैं वेदर रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो वेदर की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बारिश की कोई भी चांसेस नहीं है, हमको पूरा 20-20 ओवर का मैच देखने को मिल जाएगा इस बार भी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ होम टीम सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बारे में, जो कि अपने होम ग्राउंड के ऊपर ये आखिरी मैच खेलने वाली है। पिछला मैच उनके लिए लगभग डू और डाई मैच था, जहाँ पर उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया और एक शानदार जीत हासिल करी सेंट लूसिया जूस के ऊपर। उस मैच में इवन लुइस वापस से टीम में आए और इवन लुइस ने 30 बॉल में 65 रन की एक जबरदस्त पारी खेली और उस पारी की वजह से बहुत हेल्प मिली सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स को। उसके अलावा मोहम्मद हफीज ने भी काफी अच्छी पारी खेली, तो बैटिंग काफी अच्छी क्लिक करी सेंट किट्स के लिए, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर बैटिंग इसी तरह क्लिक करती रहेगी तो उनके लिए काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। बॉलिंग के अंदर उन्होंने सबसे अच्छी बॉलिंग करी अकीम जॉर्डन ने, अकीम जॉर्डन का डेब्यू मैच था CPL के अंदर और उन्होंने 33 रन देकर 4 विकेट हासिल करी है, जो कि आज तक का CPL का सेकंड हाईएस्ट बेस्ट डेब्यू परफॉर्मेंस है। तो अकीम जॉर्डन के आने से काफी शानदार बॉलिंग करने को मिली। उसके अलावा उसामा मीर ने काफी अच्छी बॉलिंग करी, उसामा मीर पाकिस्तान से आते हैं, जबरदस्त बॉलर है, उन्होंने 13 रन देकर 2 विकेट लिए 4 ओवर के अंदर, तो वो काफी इकोनॉमिकल रहे। तो उसामा मीर और अकीम जॉर्डन की वजह से बॉलिंग काफी ज्यादा अच्छी रही। कॉटरेल ने भी काफी अच्छी बॉलिंग जो करी, जो कि काफी अच्छी बात है। तो सेंट किट्स के लिए बैटिंग भी अच्छी तरह क्लिक करी, बॉलिंग भी अच्छी तरह क्लिक करी और जो मैच उनके जीतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वहां उन्होंने जीत हासिल करी, तो काफी अच्छी बात है टीम के लिए। तो अगर सेंट किट्स हमने आखिरी होम मैच के अंदर भी जीत हासिल करती है तो उनके लिए काफी अच्छी बात होने वाली है। यहां पर अगर उनको जीत मिलती है तो होम ग्राउंड का फायदा भी उठा सकते हैं और आगे जाकर उनके लिए टॉप 4 की उम्मीदें भी कायम रह सकती है, तो काफी अच्छी बात होने वाली है अगर सेंट किट्स इस मैच के अंदर भी जीत हासिल करे। तो अगर मैं टीम के बारे में बात करूं तो मुझे लगता नहीं कि कोई चेंज होगा, शामार ब्रुक्स को टीम में शामिल किया जा सकता है कि वो काफी अच्छे प्लेयर हैं। उसके अलावा मुझे लगता है वही टीम खेलने वाली जो कि पिछले मैच में खेली है, तो ओपनिंग कर सकते हैं इवन लुइस और डिवॉन थॉमस। नंबर 3 के ऊपर आते हैं लॉरी इवंस, नंबर 4 मोहम्मद हफीज, नंबर 5 पे शमार ब्रूक्स, नंबर 6 पे कार्लोस ब्रैथवेट, नंबर 7 पे फेबिन एलन, फिर उसामा मीर, रियाज अमृत, शेल्डन कॉटरेल, हकीम जॉर्डन। तो काफी स्टेबल टीम लग रही है सेंट किट्स की और लगातार 2 मैच से 2 मैच जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेगी। अब मैं बात करूं त्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम के बारे में, जो लगातार अपने 4 में से 4 मैच जीत चुकी है और अगर वो ये मैच जीत लेती है तो प्लेऑफ्स में आना लगभग 100% पक्का हो जाने वाला है। पिछले मैच के उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, CPL का उन्होंने हाईएस्ट एवर रन स्कोर बनाया जो 267 रन, तो एक जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला। कॉलिन मनरो ने एक जबरदस्त 95 रन की पारी खेली, हालांकि वो सेंचुरी से चूक गए पर उन्हें जबरदस्त पारी थी, उन्हें हर तरीके के शॉट मारे, उनका स्ट्राइक रेट भी 180 से ऊपर का था। तो कॉलिन मनरो वापस से टीम में आए, पिछले साल के हाईएस्ट रन स्कोरर थे, इस बार के पहले मैच के अंदर भी उन्होंने दिखाया कि क्यों उनका रेट किया जाता है T20 के अंदर। तो कॉलिन मनरो का फॉर्म बहुत जबरदस्त चल रहा है। उसके अलावा लैंडल सिमंस ने भी बहुत ही जबरदस्त पारी खेली, लैंडल सिमंस ओपनिंग करने आए, उनको 2-3 मौके मिले और उसका उन्होंने पूरा पूरा फायदा उठाया और उन्होंने भी एक जबरदस्त पारी खेली। तो कॉलिन मनरो, लैंडल सिमंस का फॉर्म आना काफी अच्छी बात है। कायरन पोलार्ड ने भी एक जबरदस्त कैमियो खेला अंत में आके, कायरन पोलार्ड ने बैटिंग तो बहुत अच्छी करी, उसके अलावा सबसे बेस्ट बॉलर भी थे त्रिनबागो के लिए। तो कायरन पोलार्ड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, बैटिंग भी काफी अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग भी काफी अच्छी कर रहे हैं, तो त्रिनबागो की बॉटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा फायर कर रही है। जिमी नीशम ने ऑलराउंडर का पद अच्छे से निभाया है, जिमी नीशम को पता है कि उनको बैटिंग बॉलिंग दोनों से उनसे बहुत उम्मीद की जा रही है, तो जब वो बैटिंग में अच्छा कर पाते हैं तो बॉलिंग में भी अच्छा करके देते हैं और बैठे तो बैटिंग अच्छी नहीं होती तब भी वो बॉलिंग में काफी अच्छा करते हैं। तो त्रिनबागो का कोर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सुनील नारायण भी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग में उनका अच्छा प्रदर्शन है, उसके अलावा बॉलिंग भी काफी ज्यादा अच्छी कर रहे हैं। मोहम्मद हसनैन ने पिछले मैच में अच्छे 2 विकेट निकाल के दिखाया और बताया कि क्यों उनको पाकिस्तान के अंदर इतना रेट किया जाता है। उसके अलावा खैरी पियरी ने भी काफी अच्छी बॉलिंग करी, ये टीम काफी ज्यादा स्टेबल लग रही है, अपने 4 में से 4 मैच जीत चुकी है और इस मैच में भी जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेगी। अली खान का फॉर्म मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, वो पिछले मैच में 1 विकेट भी नहीं ले पाए, तो मुझे लगता है कि उनकी जगह एंडरसन फिलिप को मौका मिल सकता है। उसके अलावा टीम वही रहने वाली जो कि पिछले मैच में खेली थी। अगर मैं 11 के बारे में बात करूं तो हो सकती है जब ओपनिंग करेंगे लैंडल सिमंस, सुनील नारायण, नंबर 3 के ऊपर आते कॉलिन मनरो, नंबर 4 पे दिनेश रामदीन,
नंबर 5 पे जिमी नीशम, नंबर 6 के ऊपर कायरन पोलार्ड, नंबर 7 पे सिगुगे प्रसन्ना, फिर जीवॉन सील्स, खैरी पियरी, मोहम्मद हसनैन और एंडरसन फिलिप। तो मेरे हिसाब से ये लोन हो सकती है ट्रिनबागो की और लगातार 5 पे से 5 पे जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेगी। आप मुझे पोल बताने को लगता है ये मैच कौन जीतने वाला है, ट्रिनबागो को भी लगातार 5 में से 5 जीत मिलेगी या फिर सेंट किट्स में लगातार 2 में से 2 मैच जीतेगी? आप मुझे पोल जरूर से बताना और इस मैच की ड्रीम 11 टीम आने वाली है कुछ स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं मेरे वर्डिट के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है ये मैच भी ट्रिनबागो नाइट राइडर्स जीतेगा और प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगा। ट्रिनबागो की टीम बहुत ज्यादा ऑलराउंड साउंड लग रही है, बैटिंग बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, बॉलिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी और फील्डिंग भी काफी अच्छी कर रहे हैं और कायरन पोलार्ड ने बहुत अच्छा लीड भी किया है साइड को। सेंट किट्स की टीम भी पिछला मैच जीत के आ रही है पर मुझे लगता है थोड़ी बहुत इनएक्सपीरियंस टीम है, वो उतना अच्छा नहीं खेल रही जितना ट्रिनबागो खेल रही। तो मेरी फिर रहने वाली ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, आप भी पिक मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो पसंद जरूर से आई होगी, अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। हमारी वीडियो में बहुत बहुत थैंक यू, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।